एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ जानने से पहले एक फॉर्मूला है वो जानना जरूरी है, जो कि मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था क्या? कौन सा फॉर्मूला सर? बोर्ड दिख रहा है क्लियरली या मैं लाइट जलाऊं? दिख रहा है सर। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, u इंटू वी डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये समझिए पहले। u को बाहर, v को इंटीग्रेट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, माइनस u को डिफ्रेंशिएट और फिर इसको मल्टीप्लाई जो इंटीग्रेट किए, और होल को इंटीग्रेट कर देते जो ए बचेगा उसको इंटीग्रेट कर। क्लियर हो? सेकंड पॉइंट है कि यू और वी अगर दो टर्म दिया है तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन यू है कौन वी है? तो वह डिसाइड होता है आईलेट रूल से। आईलेट रूल से डिसाइड होता है कि कौन यू होगा कौन वी होगा। और तो वो कैसे डिसाइड होगा, देखिए गुलाम कुमार मारे भी लर्न करवाए थे सर आप। क्या बेटा? ए फॉर्मूला क्लास में हमको लर्न करवाए थे, मार मार के करवाए थे। देखिए यही चीज में बताते हैं कि सबका यूज है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब देखिए, आई मीन्स इनवर्स, इनवर्स एल मीन्स लॉगरिथम, ए मीन्स एलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्री और E means exponential। लिख लीजिए, लिखे पर इसको जानता है। अगर ढंग से अच्छे बच्चे मिल जाए, मेहनती, सुनो मेरी बात, मेहनती मिल जाए मेरे को, अभी मिल गए हैं संयोग से, तो मेरे में इतनी पावर है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इतना मेरे में पावर है, पता नहीं वो कहां से आया, ये सब भगवान का दिया हुआ है कि मैं उस बच्चे को, लेकिन रेगुलर सिस्टमेटिकली अगर मेरे बात सुनने वाला मिल जाए तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक न दे दिया ना, तो तुम लोग की पूरी जिंदगी गुलामी करने को तैयार, इतना पावर मेरे में है। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक, इतना पावर है मेरे में। लेकिन वो बच्चा मिला, चोर मिल गया, इस साल मिला, इलेवेंथ वाले बच्चे आए, इलेवेंथ वाले तीन चार बच्चे ऐसे आए ना कि सच बता रहा हूं कि अगर उनको सही वे में चलते गए जो जा रहे हैं अभी, ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट रैंक वो दूर नहीं है। चल लिख लो, लिख लो, लिख लो। देखो कोई चीज फील होने लगता है, समझ में आने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक मन लगने लगता है। रब करो बेटा, रब करो, रब कर दू ना। हाँ, एक्सपोनेंशियली किस पे डिफाइन करता है? इस पे, आईलेट रूल पे। देखिए जो इधर होता है वह यू होता है और इधर जो होता है वह वी होता है। बात समझे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर करना हो, इसमें यू कौन होगा, एक्स क्या है, एक बार देख लीजिए, एक्स क्या है, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक, और v क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो बताइए तो इसमें u क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री बाद में है तो ये v हो गया, यह टर्म v हो गया, और नहीं यह v हो गया और यह हो गया u। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि देखिए अलजेब्रिक बात पहले है तो यह हो गया b, ट्रिग्नोमेट्री बाद में तो ये हो गया यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बढ़े आगे।
यस सर। लिखेगा टॉपिक का नाम है एवरेज लाइफ, एवरेज और मीन लाइफ। किसी भी चीज का, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लाइफ कितना होता है? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लाइफ कितना होता है? कल बताया जीरो से इनफाइनाइट तक, स्टार्टिंग जीरो से होता है और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। तो यहां पे लिखे थे एक पॉइंट, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, लिखिए एक पॉइंट, एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइफ इज जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। एंड द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, एंड द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, द एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, लिखिएगा एवरेज लाइफ का डिफिनेशन कर रहा हूं, एवरेज लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं पहले बताइए, एक बात बताइए एवरेज कैसे डिफाइन करते? मान लो बेटा रे, मान लो कि हम लोग अभी क्लास में 11 बच्चे और हर बच्चे का एवरेज एज निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? हर बच्चे का एज हम निकाल लेंगे, हम पूछ लेंगे, किसी का 16 होगा, किसी का 17 होगा, किसी का 18, ऐसे होगा, सभी का एज को ऐड कर देंगे प्लस जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है उसको डिवाइड कर, वो जो निकलता है वो क्या देता है बेटा? एवरेज। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल एज ऑफ क्या स्टूडेंट्स, टोटल सम ऑफ एज ऑफ एवरी स्टूडेंट, समझ में आया क्या? टोटल सम ऑफ एज ऑफ एवरी स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सही है बेटा? तो यहां पे हम एवरेज और मीन लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल लाइफ या टाइम या कहलाता है कि हाँ लाइफ, टोटल लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट, सम ऑफ टोटल लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, समझ में आ रहा है क्या? सम ऑफ लाइफ ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ में आया कि नहीं आया? जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लाइफ का सम मान लो 100 है, मान लो सपोज 100 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कुछ लाइफ टाइम होगा, कुछ सेकंड का होगा, प्लस थर्ड का, प्लस फोर का, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। ये टोटल लाइफ ऑफ एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, समझ में आया? सम ऑफ लाइफ ऑफ एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? समझो सर। लिखे तो एवरेज और मीन लाइफ इक्वल टू सम ऑफ द लाइफ टाइम्स times of every radio active elements, clear? ये बात समझ में आया? divided by sum of number of क्या रेडियो
एक्टिव एलिमेंट, जितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा उनका नंबर का डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। रब करो बेटा। तो देखिए, तो बेटा ये सम ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इक्वल टू डी एन इन टू टी, टी मीन्स लाइफ टाइम होगा क्या? डीएन मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टी मतलब क्या? टाइम। टी मतलब टोटल लाइफ टाइम, लाइफ टाइम को टी माना। इतना हो जाएगा टोटल, ए वाला टर्म इतना हो जाएगा, ए वाला टर्म इतना हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितना नंबर होता है? कितना मानते थे? एन नॉट इक्वल टू जीरो पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है? इक्वल टू जीरो पे कल हम माने थे ना 1000, माने थे कि नहीं माने थे? तो 1000 कितना था? एन नॉट था, एन नॉट, एन नॉट था 1000। याद है कि नहीं? ये ना माना था हमने कल? कितना आ जाएगा बेटा? रफ करूं? कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां पे एक क्या नंबर ऑफ सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और एवरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लाइफ टाइम कितना होता है? 0 to infinite। बड़े आगे बेटा, अब आएगा इंटीग्रेशन। देखिए तो वी नो दैट एन का वैल्यू क्या जानते हैं? एन का फॉर्मूला क्या हम ये जानते हैं? एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी जानते हैं? यस। अब हमें डी एन निकालना, डी एन ध्यान दो रुको, डी एन तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिन बच्चों को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता वो बोल देगा पानी से दिक्कत है, जान दो यहां पे नॉट कॉन्स्टेंट, कान पकड़ कर बाहर, बचा क्या? e माइनस लैम्डा t। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक्सपोनेंशियली होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। उसके बाद गाना क्या है? गाना उसको उसे के सर से होगा क्या? अब देखिए माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, माइनस लैम्डा कांस्टेंट, कान पकड़कर बाहर, इतनी नहीं होगा क्योंकि पार्शियल है।
कान पकड़कर बाहर, तो बचा क्यों? एन नॉट इज पावर माइनस लेमडा टी माइनस लेमडा इंटू डी टी। देखो तो कहीं गलत तो नहीं हो रहा, सबको एक साथ ले लो, डेल्टा एन इक्वल टू माइनस लेमडा एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी डी टी। क्या आया डी एन का वैल्यू? देखो तो या आया डी एन का वैल्यू, देखो 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 जल्दी देखो, बढ़ो आगे। बेटा yes, sir। अब इसका वैल्यू कहां पुट करेंगे बेटा? डीएन का वैल्यू यहां पुट करेंगे ना, इस डीएन का वैल्यू कहां पुट करेंगे? ऊपर देखिए तो क्या है, इसको रफ कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, नीचे का रफ करूं क्या आ जाएगा? डीएन का वैल्यू कितना आया बताइए? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? क्या मैं सही लिखा हूं? Yes, चल जो या एन नॉट से एन नॉट को कैंसिल हो गया, बचा क्या? लेमडा माइनस लेमडा बाहर ले लो, बच क्या गया? बच क्या गया? टी इंटू माइनस लेमडा टी इंटू डी टी, लिमिट जीरो टू आया यूवी के फॉर्म में, आया यूवी के फॉर्म में, हाँ या ना? हाँ सर। कोई बच्चा बताए यू क्या होगा? ई मतलब एक्सपोनेंशियल, यह क्या हो गया? बी। टी क्या हुआ? एल्जेब्रिक। यू यह हो गया और वी यह हो गया, बड़े आगे। यस सर। ध्यान देना, ऐसे बायो वाले बच्चे को हो सकता है दिक्कत आए थोड़ी समझ में, इसका रिजल्ट याद करना, लेकिन फिर भी डेरिवेशन देख लो। देखो माइनस लेमडा बाहर ले लो, ये बाहर था, यू बाहर, याद है ना फॉर्मूला में वी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस यू को डिफ्रेंशिएट किए थे याद है वहां पे, और यह ठीक कॉपी यहां पे किए थे याद होगा, और होल को इंटीग्रेट किए, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट। देखो तो सही है गलत है? देखिए तो मैं ऊपर खराब कर दूं, डीटी बाय डीटी कैंसिल, क्या बच गया? एकदम वैसे एकदम मीरा की तरह क्लियर बता रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन कोई बच्चा बता सकता है? इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा?
e पावर माइनस लैम्डा की डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। किसी बच्चे को दिक्कत है बताऊं या क्लियर है या बताऊं? यस सर क्लियर। माइनस इसका देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वही चीज जो अभी किया वही चीज होगा, वही रहेगा। देखो तो सही है, ऊपर देखो तो सही है, देख लीजिए, देख लीजिए। बढ़ो आगे बेटा, ये देखो ना, देखो ना, यहां माइनस वन बाई माइनस लेमडा, यहां पे भी माइनस वन बाई माइनस लेमडा को बाहर ले लिए तो देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको बाहर, ये दोनों को बाहर ले लिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है आप लोग? मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ये कैंसिल, लिमिट जीरो से इनफाइनाइट है। अच्छा ए बेटा, यह माइनस है, इसको नीचे आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? यह माइनस है, नीचे आकर पावर क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। इसका फिर से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? देखिए तुम, होगा बड़े आगे, माइनस माइनस प्लस, और इसको चाहो ये माइनस है तो नीचे ले लो तो प्लस हो जाएगा। हो गया, बढ़ो आगे। बढ़ो आगे, लिमिट पुट करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो हो जाता है, इसका वैल्यू आ जाएगा वन बाय लैम्डा। वन बाय इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो हो जाता है तो बच्चे का वन बाय लैम्डा। अब आपको यही याद रखना है, मैं रफ करूं तो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या गया, क्या गया? कितना होगा बेटा? वन बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है बोलिए? मारेंगे अभी, दो थप्पड़ मारेंगे तुम लोग को। दिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट या डीके कांस्टेंट बताया था मैंने। अच्छा एक बात और, हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद है क्या? ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताया था,
बताया था मैं? यस सर। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln by 2, ln 2 by half life हो जाएगा क्या? तो एवरेज का फॉर्मूला हाफ लाइफ के टर्म में अगर निकालें तो कितना आ जाएगा? एवरेज का फॉर्मूला अगर हाफ लाइफ के टर्म में निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए तो? लैम्डा का फॉर्मूला अभी आ गया, ln 2 by ये है ना, अभी निकाले आपने, निकाला है नहीं निकाला? कितना आ जाएगा? और इसको ln 2 का वैल्यू आपको पता है, बता चुका हूं, 1 by ln 2 का वैल्यू करोगे तो 1.44 आता है। तो यह एक फॉर्मूला हो गया एवरेज लाइफ का इन द टर्म ऑफ हाफ लाइफ। एवरेज इन द टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। एवरेज इन द फॉर्म ऑफ डीके कॉन्स्टेंट हो गया। समझ में आया? रब करूं? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक तो बोलना चाहिए ना, ये क्या मुझे क्या पता। बढ़ो आगे। यस सर। यस सर। बेटा तुम्हारा फ्रेंड भी अटेंड कर रहा है, क्या नाम है उसका? देखिएगा एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भूषण। यस सर। आपका फ्रेंड नहीं अटेंड कर रहा आजकल, कल शायद कल किया सर, किया है ना उसने ज्वाइन? प्रथमेश ने किया है ज्वाइन? यस सर, ज्वाइन होले सर। कल किया था क्या तू प्रथमेश? कल दोपहर को नहीं किया था सर। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, एक कभी एक दो दिन तो ऑप्शन था। देखो समझ में आ रहा प्रथमेश? देखो मुझे भूषण के बारे में थोड़ा सा पता चल गया मुझे पढ़ाने से कि क्या है लेवल, लेकिन प्रथमेश तू रिप्लाई नहीं करता इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा तुम्हारा लेवल क्या है, ताकि मैं उसके अनुसार। अभी दो तीन दिन हुए ज्वाइन करने के लिए, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा समझ। दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, अभी मतलब दो तीन दिन हुए ना, तो फिर थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा रूसी रूसी रूसी। यस सर। तुमको सच्चाई बोलना, इसमें कोई लेट लपेट नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा, अच्छे से आ रहे। अरे वाह, मुझे पता था तुम्हारे बारे में थोड़ा पता चला था। चलो
एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? कुछ नहीं है. द रेट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का रेट है ना, रेट के मैग्नीट्यूड को ही एक्टिविटी कहेंगे. क्या कहेंगे? द रेट ऑफ द डिके, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिविटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही एक्टिविटी कहेंगे. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिविटी क्या है किसी एलिमेंट का, दे देगा, पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का एलिमेंट्स एक्टिविटी क्या है, तो फिर क्या करें? लिखिए, लिखिए डिफिनेशन. एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. इसको एक्टिविटी को कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं. और अभी आपने बोला क्या, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या? डीएन बाय डीटी का मैग्नीट्यूड, यही ना मैग्नीट्यूड. मॉड, मॉड क्या देता है? किसी भी चीज का मॉड क्या देता है? मॉड मींस मैग्नीट्यूड, यही कहलाता है एक्टिविटी. अब इसको थोड़ा सा डिराइव कर लें, डिराइव कर लें. इनका फॉर्मूला याद है, तेजस, तेजस कैप्टन. Yes, sir. मुझे कुछ पूछने का इरादा कर रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं. हाँ सर, पूछ लो. एन क्या है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि एन क्या है. व्हाट इज द एन? सर नहीं पता. ठीक है, कोई बात नहीं. तू बता एन क्या है? रेट ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. यहाँ रेट कहाँ है? रेट का मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. रेडियो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. कटेगा रिज्वाइन हो जाना, कटेगा रिज्वाइन हो जाना, कटेगा रिज्वाइन हो जाना. क्या बोल रहे हैं? एन क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. कब? कब? हाँ, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एट टाइम टी. मैंने बताया था कल कि 1000 एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में बैठ गए और एवरी सेकेंड में मैं क्या कर रहा हूं, फेंक रहा हूं. तो अगर सम टाइम के बाद हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हुआ तो एन हुआ. समझे कैप्टन?